नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन वेतन के लाले नगर पालिका कर्मचारियों ने की नारेबाजी। कुछ दिन पूर्व नगर पालिका के सीएमओ ईशांत धाकर ने कहा था नगर पालिका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उनकी बात का पुरजोर विरोध करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पति जमुना सेन ने कहा था हमारे पास पर्याप्त बजट है, सीएमओ ना जाने यह बात क्यों कह रहे हैं। मुश्किल से इस बात को 8 दिन बीते थे और आज नगर पालिका कर्मचारी वेतन न मिलने पर लामबंद हो गए। रायसेन नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने ज्ञापन देकर जमकर की नारेबाजी। रायसेन नगर पालिका की खराब वित्तीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है, जहां बेहिसाब हुए खर्च की वजह से दिनों दिन नगर पालिका की हालत दयनीय हो गई और कर्मचारियों को देने के लिए नगर पालिका के पास अब वेतन तक नहीं है। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने की वजह से सफाई कर्मचारियों ने लामबंद होकर नगर पालिका सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और चेतावनी दी है कि अगर वेतन नहीं दिया गया तो सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएगा। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने बताया कि प्रत्येक माह की 5 तारीख को वेतन दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन अब तक वेतन नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर वेतन नहीं मिला तो 26 जुलाई से महामाया चौक गांधी प्रतिमा के पास सफाई कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। हम आपको बताते हैं सीएमओ ने क्या कहा था और नगर पालिका अध्यक्ष पति ने क्या कहा था और अब कर्मचारी क्या कह रहे हैं। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। आज क्या मामला है? ज्ञापन का ये मामला है, नगर पालिका रायसेन में चुंगी नहीं होने के कारण वेतन देने से सीएमओ साहब इनकार कर रहे हैं, जिससे कि आप देख रहे हैं आज 25 तारीख है। हम लोगों का ना कोई और साधन तो है नहीं है, तनख्वाह पे सब निर्भर है। स्कूलों में फीस जमा करना है, बच्चों के एडमिशन भी कराना है और भी हर आदमी की समस्या है। बैंकों से लोन ले रखे सबके किस्तें बाउंस हो रही हैं। इस संबंध में हम सीएमओ साहब से एक दो बार मिल भी चुके हैं तो उनका कहना है कि साहब भोपाल से पैसा आएगा तो वेतन हो पाएगा, नहीं तो नहीं है। कितने कर्मचारी हैं? होंगे 80-90। क्या नाम लिखते हैं? क्या मामला है आज तनख्वाह के लिए यहाँ साहब? तनख्वाह नहीं मिल रही है, दूसरा ही महीना पूरा हुआ जा रही है। कितने कर्मचारी हैं? कर्मचारी पूरे ही सभी सफाई कर्मचारी हैं पूरे। क्या बोल रहे हैं, ज्ञापन दिया आपने? तो अभी कोई है ही नहीं है, कह रहा पैसा होगा जब देंगे, पैसा नहीं है, अभी नहीं दे रहा तनख्वाह बस। क्या नाम लिखते हैं? मेरा रमेश। सीएमओ से मिले थे, उन्होंने कहा था कि रायसेन नगर पालिका की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? नहीं, मैं इस बात से सरोकार नहीं रखता हूँ। यानी मान लो नगर पालिका की आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब होती तो जो हम विकास की कार्य कर रहे हैं, यहाँ पास कर्मचारियों को वेतन बांटने के पैसे नहीं है। आप कह रहे हैं हमारे नगर पालिका की स्थिति बहुत अच्छी है, अब वो ऐसे कह रहे हैं, मेरे को मालूम नहीं है। मान लो नगर पालिका की आर्थिक स्थिति कैसी है? अभी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर जी, और लगातार चूंकि हमारे खर्चे अभी ज्यादा हैं और हमारी वसूली थोड़ी कम हो पा रही है, तो वसूली के लिए भी हम लगातार नया एक मॉडल हम बना रहे हैं